आज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत नारायणपुर से करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नारायणपुर से मिल रही है, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, करिया मेटा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में अब इनकी मुठभेड़ अभी भी जारी है, अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है। तो एरिया डोमिनेशन पर टीम निकली हुई थी उस वक्त, ये मुठभेड़ जो शुरू हुई वो अभी भी जारी है। सर्चिंग पर टीम निकली हुई थी, एक्स्ट्रा फोर्स को भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। बिंदेश पात्रा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बिंदेश, छत्तीसगढ़ में आज का दिन जैसे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ या उनके सरेंडर को लेकर जाना जाएगा, क्योंकि लगातार सुबह से जो खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं मुठभेड़ पुलिस की नक्सलियों के साथ चल ही रही है। नारायणपुर में भी यही स्थिति, क्या और जानकारी आप दे पा रहे हैं? जी बताना चाहूंगी, नारायणपुर से बासुर मार्ग जहाँ नई रोड बन रहे हैं वहां पर पुलिस की गश्त पार्टी निकली हुई थी, जो की करियामेटा के जंगल में दोनों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। और यहाँ भी सूत्रों से जानकारी आ रही है कि कुछ पुलिस के जवान घायल हुए हैं। जी जी, क्या स्थिति है अभी बिंदेश? जी 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 जी, एक्स्ट्रा फोर्स भी भेजा गया है? हाँ, उसके ब्रेक के लिए और एक्स्ट्रा फोर्स भेजा गया है, क्योंकि लंबी समय से फायरिंग चल रही है और कुछ नुकसान होने की सूचना भी ऐसे आ रही है सूत्रों से। हो सकता है कि नक्सली डेड बॉडी भी हमको मिल जाए, उनके रिकवर में कुछ और सामान मिले हमको, ऐसी जानकारी आ रही है अब तक। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मध्यप्रदेश को पुरस्कार मिला।